तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शहबाज नियाज़ी और जैसा कि आपको पता है मैं बरेली आया हुआ हूँ। तो मैं आज आया हूँ अभी इस टाइम जो निसार जी हैं उनके अड्डे पर आया हुआ हूँ। और ये ठीक मेरे पीछे ही देखिए मंजा, इनका ये मंजा लगा हुआ है और ये मंजा सूत्र है। और मैं इनसे एक चरखी लगवाने के लिए आया हूँ जो कि हम अभी हमारी टीम जाने वाली है लखनऊ के लिए। तो उसके लिए इनसे एक मांझे की 12 रील की चरखी लेनी है। तो आप गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं भी और भी मांझा कारीगर हैं उनकी वीडियो दिखाऊँगा। तो ये है इनका निसार जी का अड्डा और ये मांझा अपने हाथ से ही सूतते हैं खुद बहुत, किसी कारीगर वगैरह को, बस कारीगर इनके लिए डोर चढ़ाते हैं और मंजे मतलब चरखी लपेटते हैं बस, बाकी इनका खुद का काम है अपने हाथों से करते हैं। नाम नहीं करा दी। हाँ कि निसार जी है इनका, मैं पर्चा दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये है ये निसार खान रिजवान खान 7 स्टार और सरनिया ये चंद्रपुर सीवीगंज बरेली। ये चरखा भी लगने के लिए आया था और ये दिल्ली के कोई इंद्र जी हैं, ये उनके लिए चरखा लगा है अभी। येलो कलर की डोर है, डोर बहुत बड़ी लगाते हैं। बाकी ये देखिए इनकी एक डोर और लाल तैयार है गर्मियों की, मतलब के लिए बहुत बढ़िया शानदार डोर है और ये खुद ही लगाते हैं। बाकी इधर भी लगा रहे हैं बंदे और ये देखिए पेड़ की छाँव के नीचे ही लगा रहे हैं, ओपन में नहीं इनका अड्डा। तो सीधे जैसे आपको किसी को आपसे मंजा वगैरह लेना हुआ तो वो कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ सप्लाई कर दोगे आप? मतलब जहाँ तक जाता होगा वहाँ तक सप्लाई हो सकता है। साउथ में अभी तक कहीं सप्लाई करा नहीं करा आपने? नहीं, माल इतना तैयार नहीं हो पाता जो कहीं सप्लाई करा दे बाहर। अच्छा अच्छा, माल कम तैयार होता है ना उसी हिसाब से सप्लाई करा जाता है। अच्छा, जिस हिसाब से मांझे की चाल होती है। तो मांझा आप खुद ही लगाते हैं ना? हाँ मांझा मैं भी खुद लगाता हूँ और मेरा भाई भी लगाता है, भाई रिजवान। हाँ रिजवान, वो शायद खाना खा रहा है इस समय। अच्छा खाना खा रहे हैं। बाकी ये देखिए इनकी एक डोर ये और ये रही बंदा डोर लपेटता हुआ है, लाल कलर की डोर है ये भी, खुद अपने हाथ से लगाई। हाँ ये खुद ही अपने इन्हीं ने अपने हाथों से लगाई है। तो ये आप देखिए अपने अपने हाथों से खुद बहुत डोर लगाते हैं निसार जी और उनके भाई एक और साथ में हैं जो अभी खाना खा रहे हैं, वो भी डोर लगाते हैं। और इनकी देखिए ये एक डोर ये लपेटी जा रही है, एक ये है, ये देखिए कोटिंग ऐसे करके करते हैं, फिनिशिंग इससे और बढ़िया करके फिनिशिंग इनकी आ जाती है मांझे में। एक डोर ये है इधर लगी हुई और एक डोर ये लगी हुई है। बाकी देखिए यहाँ पर ये मिक्सचर बनाते हुए दूसरी तरफ ये अड्डा है, ये भी मिक्सचर बना रहे हैं इधर और ये इधर ये खाना खाते हुए भाई इधर। और एक चरखी देखिए इंद्रजी दिल्ली वाले जो हैं ये उनके लिए डोर लगी है पी येलो कलर में, बहुत बढ़िया है। और एक ये भी रही, ये लड़का छोटू लगाता हुआ है लाल कलर की। कितना रील है? ये तीन रील ये रहे, 12। हाँ 3 रील ये रहा है, बाकी 9 रील चरखे भी लिपटे हुए। ये लाल कलर की डोर ये रही, ये देखिए किस तरह से ये लड़का लपेट रहा है। बाकी ये मिक्सचर इनका ये रहा, मिक्सचर इनका बना हुआ है ये। और ये चरखे और आए हुए हैं अभी लगने के लिए इनके पास, ये देख सकते हैं जाहिद भाई को ही हैं
चरखा बहुत बढ़िया फाइबर का ये। ये भी लड़का लपेटता हुआ डोर, ये किसका लग रहा है? ये अपने भाई ने बनाया। अच्छा, रिजवान भाई ने। तो इनके जो छोटे भाई हैं रिजवान जी, ये उन्हीं ने बनाया है ब्लैक डोर। तो एक ये भी रहा है जहीर खान, ये भी मांझा बनाते हैं खुद बहुत, और इनका मांझा ये लग रहा है इधर। डोर ये रही। एक सेकंड हल्की से ऊपर कंटेनर बनाया, सीधा चढ़ गया, वहीं पे बांध दूंगा। बाकी एक ये और रहा है ताहिर एंड साकिब, और ये देखिए खुद ब खुद मांझा लगा रहे हैं। ताहिर नाम है इनका, ये खुद ब खुद मांझा ही लगा रहे हैं। ये मांझा इनका भी लेके देखिए आप, ये ऐसे नहीं है कि जो मांझा जैसे इन्हीं ने ये ब्लॉग पैम्पलेट जो है बना के रख दिया और किसी और से मांझा सुधवा लिया, ये खुद ब खुद ही मांझा लगाते हैं और मेहनत खुद ब खुद करते हैं मांझे पे, जैसे कि देख रहे हैं आप। अब इस डोर को ये खींच के, ये जो यहाँ पर ये अभी लगी नहीं है इसको खींचा जाएगा और बीच में लाया जाएगा इस डोर को। मांझा वगैरह आपका बाहर सप्लाई होता है? हाँ होता है। अगर जैसे किसी ने कांटेक्ट करा तो कुरियर के थ्रू भिजवा दोगे आप? साउथ में, जैसे साउथ में ज़्यादातर लोग मांगते रहते हैं। अच्छा, हो जाएगा वहाँ साउथ में? हो जाएगा। दिल्ली वगैरह तो जाता ही होगा आपका सामान? हाँ, दिल्ली भी जाता है, लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है। अच्छा, नहीं आता। बाकी देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, कौन सा वाला कॉन्टैक्ट है इसमें? 72 वाला। हाँ, 72 लास्ट में। अच्छा, ये 9 ऊपर वाला जो नंबर है, हाँ, इस पर कॉन्टेक्ट करके करिए आप। आपको डायरेक्ट देखिए माल इन्हीं से मिलेगा, कोई बीच में आपको कोई जैसे बीच में जो लोग होते हैं कि सप्लाई कर देते हैं, तो आपको सीधे माल इन्हीं से मिलेगा और बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो आप इनका भी मांझा लेके देखिए एक बार, बढ़िया ही मांझा लगाते हैं खुद ब खुद, देखिए काम कर रहा है जब। देखिए देखिए ये देखिए डोर आप बीच में आ गई। हाँ बताओ। ये देखिए तो गाइस, अगर आपको मांझा वगैरह लेना है तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझसे ही बोल सकते हैं, मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा। आप इनसे मांझा लेके देखिए, मांझा बहुत शानदार है। मैं खुद लगवाने के लिए आया हूँ अभी, हमारा लखनऊ जाने का प्रोग्राम बना है तो हम मांझा इनसे लेके जा रहे हैं। ये मांझा बहुत बढ़िया खुद ब खुद, देखिए खुद कारीगर जब खुद लगाता है तो उसमें मेहनत बढ़िया करके ही करता है। जो बीच के होते हैं देखिए वो क्या करते हैं, बस हाँ कैसे भी हो मांझा हमें मिल जाए, हमें पैसों से मतलब है, मगर ये क्या है चीज़ बढ़िया लगा के देखते हैं, फिनिशिंग बढ़िया करके देंगे और मांझा बढ़िया क्वालिटी बढ़िया ही लगा के देते हैं। जैसे कि आपने इंद्रजी जो दिल्ली वाले हैं और उनका भी चरखा लगाया है अभी, और इनके पास आते ही काम ज़्यादा ही है इनके पास। तो ये देखिए इनका बराबर में भी एक लगा रखा है इन्हीं ने, अभी लाल कलर की जो डोर लगाई है वो भी जा रही है बाहर। तो गाइस आप इनको इनका मांझा लेके देखिए, मांझा बहुत बढ़िया है। बाकी आप किसी और से भी पूछ सकते हैं जो पतंगबाज वगैरह है कि निसार जी का मांझा कैसा है, आप उनसे पूछ के देखिए एक बार, और लेके इनका मांझा ज़रूर लेके देखिए आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते जाइए। तो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।